जो दो नंबर वाले लोग होते हैं वो भी अपने मन से रिलेटेड ही जो है चीज़ों को करते हैं। तो इसी तरीके से जो दो नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत ही केयरिंग होते हैं, नर्चर करते हैं। दो नंबर वाले जो लोग होते हैं यानी कि जिनका मूलांक दो होता है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं अपने स्पाउस पे। आपको ये जानना है कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव ट्रेट्स आ रहे हैं, क्या नेगेटिव ट्रेट्स आ रहे हैं, और उन दोनों को बैलेंस करके किस तरीके से कौन सी रेमेडी करें ताकि आपकी लाइफ और बेटर हो सके। नमस्कार, मैं आपकी वास्तुगुरु मान्या और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर और साथ में रेकी हीलर भी हूँ। और आप मुझे देख पा रहे हैं एनबीटी लाइव पर। आज न्यूमरोलॉजी अनलॉक्ड में हम बात करने वाले हैं नंबर्स की। आज हम बात करेंगे दो नंबर्स की, यानी कि जिन लोगों का मूलांक दो तारीख है। अब दो तारीख बनेगा कैसे, आइए जानते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो लोग पैदा हुए हैं दो तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 29 तारीख को, उनका जो मूलांक बनता है वह बनता है दो। और जो दो नंबर है उसकी जो प्लैनेट्स को अगर देखें तो कौन सा प्लैनेट उसको गवर्न करता है, उसको करता है मून। जी हाँ, आपने सही सुना, मून। मून जो है वो बहुत ही एक अपने आप में मन का कारक होता है। इसी तरीके से जो दो नंबर वाले लोग होते हैं वो भी अपने मन से रिलेटेड ही जो है चीज़ों को करते हैं, यानी कि वो अपने मन के कारक होते हैं। जिस तरीके से उनके मन में जो चल रहा होता है वैसे ही उनके फेस पर भी आ जाता है। बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव जो है इनकी पर्सनालिटी होती है, हर पार्टी की जान होते हैं। और साथ में ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही एक दूसरे के साथ हमेशा बना के रखने वाले ऐसे लोग होते हैं दो नंबर वाले। अब अगर हम इसकी फॉर्मेशन को देखें, दो नंबर की फॉर्मेशन देखें, ये इस तरीके से ऐसे लगता है कि एक लेडी जो है, एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो अपने घुटनों के बल पर बैठी हुई है। अगर हम इस बारे में बात करें तो जैसे भी एक माँ होती है वो अपने बच्चों के लिए कितनी केयर करती है, अपने बच्चों को हमेशा नर्चर करके रखती है, उनको संभाल के उनको लव देती है ना। तो इसी तरीके से जो दो नंबर वाले लोग होते हैं वो बहुत ही केयरिंग होते हैं, नर्चर करते हैं और साथ में हमेशा हर एक को सपोर्ट करने वाला ये नंबर माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से हम उस फॉर्मेशन को देखते हैं कि वो बैठी हुई हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड भी करती हैं। जैसे हम बात करें सन की, जो मून है वो सन से ही लाइट लेकर जो है आगे अपनी रोशनी को प्रदान करता है ना। तो इसी तरीके से अगर जो है हम बात करें मून की, तो मून किसके ऊपर डिपेंड हो गया, सन के ऊपर डिपेंड हो गया। इसी तरीके से क्योंकि मून गवर्न करता है दो नंबर वालों को, तो दो नंबर वाले जो लोग होते हैं यानी कि जिनका मूलांक दो होता है वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं अपने स्पाउस पे या फिर किसी ना किसी और लोगों के ऊपर। तो इनके अंदर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर बात करें इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स की, तो देखिए पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती हैं। आपको ये जानना है कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव ट्रेट्स आ रहे हैं, क्या नेगेटिव ट्रेट्स आ रहे हैं और उन दोनों को बैलेंस करके किस तरीके से कौन सी रेमेडी करें ताकि आपकी लाइफ और बेटर हो सके। तो देखिए दो नंबर यानी कि जो जिनका मूलांक दो है उनके अंदर अगर पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करें तो ये बहुत ही केयरिंग नेचर के हो गए, नर्चर वैल्यूज़ इनके अंदर होती हैं, बहुत अट्रैक्टिव फेस के साथ जो है ये हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करते रहते हैं और साथ में हर पार्टी की जान भी होते हैं। क्रिएटिव थिंग्स जो होती हैं ये बहुत ईजिली कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर क्रिएटिविटी इतनी भरी हुई होती है। इसी वजह से जो बेस्ट टू बेस्ट क्रिएटिव वर्क्स होते हैं आप इनको दे दीजिए, इनके लिए बाएं हाथ का काम होता है। तो ये सारी पॉजिटिव ट्रेट्स दो नंबर यानी कि मूलांक दो वालों में देखने को मिलती हैं। अगर बात करें नेगेटिव ट्रेट्स की,
तो देखिए नेगेटिव ट्रेट्स भी हर एक में होते हैं, क्योंकि बैलेंस करके, पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करके चलना ही लाइफ है, राइट। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेट्स भी होंगे, तो आइए जानते हैं नेगेटिव ट्रेट्स क्या है। तो देखिए जो दो मूलांक वाले लोग होते हैं उनके जो नेगेटिव ट्रेट्स है वो यही है कि ये लोग जो हैं हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कोई भी काम करना हो इनको कोई ना कोई पुश चाहिए होता है इजीली काम करने में इनको, मतलब जैसे कहते हैं कि हाँ भाई इनको बहुत इजीली हर काम को करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई अगर इनको पुश करेगा तभी ये उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए क्योंकि जो चंद्रमा है वो मन का कारक है, तो अगर आपको दो नंबर यानी कि मूलांक दो वाले लोगों को अगर इसके नेगेटिव ट्रेट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, क्योंकि बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, हर छोटी छोटी बात के ऊपर क्रिप करना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर डिप्रेशन की भावना देखने को मिलती है। डिप्रेशन के साथ साथ ओवर एंग्जाइटी भी हो जाती है, ओवर थिंकिंग होने की वजह से एंग्जाइटी भी इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सारे ट्रेट्स, नेगेटिव ट्रेट्स भी दो नंबर वाले मूलांक दो वालों के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसको ठीक कैसे करें, अगर आपके अंदर नेगेटिव ट्रेट्स आ रहे हैं तो इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, तो आइए जानते हैं। तो देखिए अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेट्स आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको पहला तो हर दिन सुबह उठकर मेडिटेशन करनी है, दूसरा आपको जो है हर दिन सुबह उठते ही नहा कर शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जो आप जल ले लें उसके अंदर एक चम्मच दूध डालें और इस जल को आप जो है शिवलिंग के ऊपर ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपका जो मून है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बहुत ही इजी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर को रिस्पेक्ट देना शुरू करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट देना शुरू करना है, आपकी मदर को रिस्पेक्ट देना शुरू करना है। जब आप ऐसा करेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो भी आपका जो मून है वो बैलेंस होना शुरू कर देगा। साथ में आपको एक छोटा सा काम और करना है, आपको अपने पर्स में चांदी का एक सिक्का डाल के रखना है। जी हाँ, इससे भी आपका मून बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए कितनी ही इजी रेमेडीज़ हैं, कितने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, है ना। और कोई बहुत मुश्किल रेमेडीज़ भी नहीं है जो हमें हम कहें कि दो दो घंटे का पाठ हो या कुछ ऐसा, बहुत प्रैक्टिकल वे में आप अपनी रेमेडीज़ को करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अब अगर बात करें कि अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर दो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि दो बार से ज़्यादा अगर ये रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपको नेगेटिव ट्रेट्स पक्का देगा। अगर नेगेटिव ट्रेट्स की बात करें कि अगर ये दो बार से ज़्यादा बार ये रिपीट हो जाता है तो ये नंबर चेंज हो के आपको दूसरे प्लैनेट्स के नेगेटिव ट्रेट्स देने शुरू कर देता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो करना है सो दैट आप अपनी लाइफ को और इजी बना सकें। दो नंबर जो होता है, दो मूलांक वाले जो लोग होते हैं वो पैसा भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं पैसे का कारक भी है। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इन रेमेडीज़ को करके आप अपनी लाइफ में ढेर सारा पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि दो नंबर यानी कि जिनका मूलांक दो है, जो लोग 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके साथ कौन सी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही ज़्यादा या फिर कौन से नंबर्स अच्छे कंपैटिबल है। तो अगर मैं बात करूं दो नंबर की, तो देखिए दो नंबर के साथ 1 नंबर 5 नंबर ये बहुत ही कंपैटिबल होता है, इनके सेम माइंडसेट होते हैं, और साथ में 1 नंबर और 5 नंबर से 2 नंबर वालों को बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। 2 नंबर यानी कि 2 मूलांक वालों को, उनको सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है और उनकी लाइफ भी इनके साथ काफ़ी अच्छी चलती है। अगर आप भी इस साल
बिजनेस करने का सोच रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली जिनका मूलांक 2 है उनको पार्टनरशिप ज़रूर करनी चाहिए, बिजनेस में पार्टनरशिप ज़रूर करनी चाहिए। और इन नंबर्स के साथ अगर पार्टनरशिप करेंगे तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा और इन लोगों की सपोर्ट आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहेगी। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो मूलांक 2 वालों के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं जाते हैं, यानी कि उनकी कंपैटिबिलिटी इनके साथ बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। तो अगर मैं बात करूं ऐसे नंबर्स की, तो 8 नंबर और 9 नंबर, ये नंबर जो है मूलांक 2 वालों के बिल्कुल एंटी होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि ये दोनों नंबर्स इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन इनके नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ भी आपके भी कोई फ्रेंड्स हैं या फिर कोई आपके खुद की फैमिली में कोई स्पाउस या फिर जो है आपकी फैमिली में कोई ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 या 9 आ रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने नाम को उनके नाम के साथ एडजस्ट करवा के उस नेम को, स्पेलिंग को करेक्ट करवा लीजिए, जिसको हम कहते हैं नेमोलॉजी। इसको करवाने से डेफिनेटली आप दोनों के नंबर्स जो है डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं जो है एक सेंटर पॉइंट पे आएंगे, जहां पर आप दोनों के विचार मिलेंगे और साथ में आपकी लाइफ भी इजी चलेगी। मैं आशा करती हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसके बारे में और स्पेसिफिक जानकारी के लिए या इन स्पेसिफिक नंबर्स के बारे में और जानने के लिए आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हों उनका सलूशन हम आपके तक लेकर आए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखें। नमस्कार।